हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इको पीडब्ल्यूडी एमकेडीआईआर और आरएमडीआईआर जैसे यूनिक्स कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। इको कमांड, तो इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स का जो हमारे पास पहला कमांड है उसका नाम है इको कमांड। तो आइए देखते हैं कि इको कमांड का क्या यूज़ है। तो बेसिकली इको कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लाइन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट आर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कोई भी टेक्स्ट ऑफ लाइन को जो है डिस्प्ले कराना है, किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए इको कमांड का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ए बिल्ट इन कमांड। तो इको एक ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की बिल्ट इन कमांड है। दैट इज़ मोस्टली यूज इन शेल स्क्रिप्ट। तो इको कमांड का मोस्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं? शेल स्क्रिप्ट्स में, मतलब यूनिक्स की प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ मोस्टली करते हैं। और बैच फाइल्स में इको कमांड का यूज़ करते हैं। और ये इस तरीके से आउटपुट स्टेटस को सपोर्ट करता है स्क्रीन पर दिखाने की, फाइल पे दिखाने की। तो कुल मिलाकर के इको कमांड, आपको ये समझना है कि इको कमांड का जो यूज़ है वो टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले करने के लिए या स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इको कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इको कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको इको टाइप करना है। और जो भी मैसेज या फिर प्रिंट या लाइन ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख करके एंटर प्रेस करनी है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा है आई लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। एंटर लिखा नहीं, एंटर को मैंने प्रेस किया है, तो आउटपुट हमारे पास ये मैसेज आ गया है आई लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इको कमांड का यूज हम मैसेज को प्रिंट कराने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इको कमांड का दूसरा यूज क्या है कि अगर हम होम डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे इको टाइप करके हम लिखेंगे डॉलर होम और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो यूनिक्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको होम डायरेक्टरी में ले जाएगा। तो यहाँ पर स्लैश होम स्लैश कुमार, ये आपकी होम डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर स्लैश जो है रूट नोड है, होम आपकी डायरेक्टरी है और कुमार आपकी सब डायरेक्टरी है। तो ये रूट नोड क्या होता है, ये मैंने जो है फाइल सिस्टम का एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तो उस पर आप जा कर के देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फाइल सिस्टम किस फॉर्म में होता है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। तो इसका जो है फाइल सिस्टम तीसरा या चौथा वीडियो लेक्चर है, उसे जा कर के देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि यूनिक्स में फाइल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से इको कमांड का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैसेज प्रिंट करने के लिए और एक होम डायरेक्टरी में जाने के लिए। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है पीडब्ल्यूडी कमांड। तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में पीडब्ल्यूडी कमांड का क्या यूज है। तो पीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो पीडब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है वो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो एज द नेम स्टेट्स कमांड पीडब्ल्यूडी प्रिंट्स द करंट वर्किंग डायरेक्टरी और सिंपली द डायरेक्टरी यूजर इज एट प्रेजेंट। तो पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, ये प्रिंट करता है या डिस्प्ले करता है आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, यानी कि करंट डायरेक्टरी को या करंट वर्किंग डायरेक्टरी को या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को या फिर होम डायरेक्टरी को। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि इको कमांड को यूज़ करके भी हम जो है होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कमांड भी करता है। तो पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करेगा,
करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करेगा या फिर वो डायरेक्टरी प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा जिस डायरेक्टरी में आप हो। तो जब आप यूनिक्स पे लॉगिन करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही जाते हो, तो वही करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है डिस्प्ले करता है ये PWD कमांड। When user logs onto the system, he is placed in a specific directory of the file. This directory is known as your current directory. तो जब यूजर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करता है तो वो डायरेक्टली जिस डायरेक्टरी में आता है उस डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, और उसी डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए PWD कमांड का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि PWD कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के PWD कमांड टाइप करनी है और एंटर प्रेस करनी है। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है, तो ये आपको शो करेगा आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये /home/kumar ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है या फिर होम डायरेक्टरी है। तो स्लैश का मतलब यहाँ पर रूट नोड से है, होम का मतलब ये आपका डायरेक्टरी है मेन डायरेक्टरी, और कुमार होम डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी है। अब हम चाहते हैं कि PWD होम डायरेक्टरी से हम किसी दूसरे डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो एक दूसरा कमांड है उसका नाम है CD कमांड। तो CD कमांड के थ्रू जो है हम दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, बट दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आना पड़ेगा। तो CD क्या करता है, चेंजिंग द करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी को चेंज करता है। प्रोग्राम मस्ट बी इन करंट डायरेक्टरी, जब तक आप करंट डायरेक्टरी में नहीं आएंगे तब तक आप किसी दूसरी डायरेक्टरी में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो CD कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको करंट डायरेक्टरी में आना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉलर प्रॉम्प्ट पे, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे PWD लिख करके एंटर प्रेस करनी है, उसके बाद आप करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और फिर करंट डायरेक्टरी में आ जाने के बाद आप दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे CD, और CD के बाद आप किस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम, तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया प्रॉक्स, तो इस डायरेक्टरी में मुझे जाना है। तो ये डायरेक्टरी का नाम लिख करके सिंपली मैं एंटर प्रेस करूँगा, एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के बाद जो है फिर जो है मैं डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा कर के PWD लिख करके एंटर प्रेस करूँगा। तो एंटर प्रेस करने के बाद आउटपुट जो है वो होम डायरेक्टरी में गए, होम डायरेक्टरी में फिर उसके सब डायरेक्टरी कुमार में गए, और उसके बाद हम प्रोग्राम डायरेक्टरी में चले गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि आपको proc कमांड में जाने के लिए सबसे पहले आपको होम डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया है, और होम डायरेक्टरी में जाने के बाद फिर आप CD कमांड लिख करके फिर आप जिस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद फिर जा कर के डॉलर प्रॉम्प्ट पे PWD लिख करके एंटर करेंगे, तब जा कर के आप प्रोग्राम या प्रॉक्स डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो इसको आप जो है इसको जब मैं यूनिक्स पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इस मॉड्यूल को फिनिश करने के बाद मैं यूनिक्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर इन सब का मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है रूट नोड को, होम आपका होम डायरेक्टरी है, कुमार होम डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी है, और उसके बाद प्रॉग जो है ये आपका अब बन गया है करंट डायरेक्टरी। तो ये था CD कमांड का यूज़। अब हम चाहते हैं कि दोबारा होम डायरेक्टरी पे आ जाए, टू रिपर टू द होम डायरेक्टरी, तो उसके लिए
डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके सीडी लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम पीडब्ल्यूडी जो है प्रेस करके पीडब्ल्यूडी टाइप करके एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे होम डायरेक्टरी पे। अब समझते हैं कि mkdir कमांड का यूनिक्स में क्या यूज है। तो mkdir कमांड और rmdir कमांड, इन दोनों कमांड के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रह चुके होंगे, या फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट या फिर आईटी के स्टूडेंट होंगे। तो mkdir कमांड जो है, जब कंप्यूटर में पहली बार डॉस वगैरह जब सिखाई जाती है तो उसमें डायरेक्टरी वगैरह कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव वगैरह कैसे करते हैं, तो उसी से संबंधित जो है यूनिक्स में जो है कुछ कमांड्स है। तो उन कमांड्स में जो पहला कमांड है उसको mkdir कमांड बोलते हैं। तो सिंपली mkdir कमांड का यूज करते हैं हम डायरेक्टरी बनाने के लिए, और डायरेक्टरी के साथ साथ आप बहुत सारे नंबर ऑफ सब डायरेक्टरी भी इसमें बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर पे, इस स्लाइड पे मैं ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी इसको समझाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों कमांड्स, mkdir कमांड और rmdir कमांड, ये दोनों कमांड आपको आते होंगे। तो बेसिकली mkdir कमांड जो है वो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक अनिल नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो सिंपली mkdir लिख करके, अनिल लिख करके एंटर प्रेस करूँगा तो एक अनिल नाम की डायरेक्टरी मेरी क्रिएट हो जाएगी। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यूनिक्स में मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ ही मैं क्रिएट कर लूँ, तो भी आप mkdir कमांड लिख करके डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। अनिल, रवि, मोहन, ये तीन डायरेक्टरी के नाम दिए मैंने, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अनिल, रवि और मोहन नाम की कलेक्टिवली तीन डायरेक्टरी एक साथ बन गई है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी डायरेक्टरी भी बन जाए और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी बन जाए, तो mkdir लिख करके मैं अनिल लिखूंगा तो अनिल नाम की एक डायरेक्टरी बनेगी, और मैं चाहता हूं कि अनिल नाम की एक डायरेक्टरी में मेरा एक सब डायरेक्टरी भी बन जाए, तो अनिल लिख करके बैक स्लैश लिख करके मैंने राजू लिखा है तो अनिल नाम की डायरेक्टरी में राजू नाम का एक सब डायरेक्टरी बन जाएगी। उसी तरीके से अनिल नाम के डायरेक्टरी में मैं एक और सब डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ राज, तो इस तरीके से स्पेसिफाई करके एंटर कर दूंगा तो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी यहाँ पर बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी डायरेक्टरी मैंने बनाई है उन सारी डायरेक्टरी की लिस्ट देखना चाहता हूँ मैं, तो ls कमांड लिख करके हाइफन d लिख करके, और उसके बाद मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा, एस्ट्रिक स्लैश लगा करके एंटर प्रेस करूंगा तो सारी डायरेक्टरी हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि जितने भी सब डायरेक्टरीज मैंने बनाई है तो उसके लिए आप जो है ls कमांड लिख करके एस्ट्रिक लगा करके एंटर प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑल सब डायरेक्टरी, सारी डायरेक्टरी आ जाएगी, जो सब डायरेक्टरी है वो आ जाएगी, और सब डायरेक्टरी के अंदर या फिर कोई टेक्स्ट फाइल, डायरेक्टरी नहीं टेक्स्ट फाइल जिसमें हमने कुछ लिख रखा है, उस टेक्स्ट फाइल की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ls लिख करके एस्ट्रिक लिख करके टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नाम दे करके .txt जो है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है, उसको लिख करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होगी वो सारी फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से mkdir कमांड का यूज़ करते हैं और डायरेक्टरी बनाने के लिए और ls कमांड का यूज़ करते हैं उन डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल्स को देखने के लिए। अब रिमूव डायरेक्टरी, rmdir का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, हम चाहते हैं किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना, तो हम जो है उस डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो
तो डिलीट करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स है या सब डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी को हम रिमूव करने जा रहे हैं तो वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि इट कांट बी रिमूव्ड अनलेस इट इज़ एम्प्टी। जब तक हम डायरेक्टरी को एम्प्टी नहीं कर देंगे तब तक डायरेक्टरी जो है रिमूव नहीं हो सकती है। तो डायरेक्टरी को एम्प्टी करके उसके बाद एक एक करके डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव करने के लिए सिंपली यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके RMDIR लिखना है और जिस डायरेक्टरी को जो है रिमूव करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, वो डायरेक्टरी आपकी उड़ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ls-d कमांड से हम जा करके उस डायरेक्टरी को देख सकते हैं कि वो डायरेक्टरी है या नहीं है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को भी डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए अनिल डायरेक्टरी और अनिल के अंदर जो सब डायरेक्टरी है राज, उस राज को स्पेसिफाई करेंगे, राजू को स्पेसिफाई करेंगे और एंटर करेंगे तो अनिल नाम की पूरी डायरेक्टरी उड़ जाएगी। कि अनिल नाम के अंदर जो सब डायरेक्टरी है राज और राजू वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी। और अनिल नाम के डायरेक्टरी में राज है, राजू है और हम सिंपली अनिल लिख करके रिमूव करेंगे तो अनिल नाम की डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर राज और राजू नाम की डायरेक्टरी है। तो उसके लिए आप या तो RMDIR anil-raj करके पहले राज को सब डायरेक्टरी को डिलीट कर लें और उसके बाद RMDIR करके दोबारा अनिल लिख करके टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो अनिल नाम की डायरेक्टरी आपकी रिमूव हो जाएगी, या फिर आप अनिल नाम की डायरेक्टरी लिख करके फिर अनिल नाम की डायरेक्टरी लिख करके उसके सब डायरेक्टरी को लिख करके एंटर करेंगे, रिमूव करेंगे तो ये डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा यूनिक्स कमांड्स का जो है ये वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।